वेल मेरे प्यारे दोस्तों, आज 7 अगस्त को वीवो की 40 सीरीज के दो फोन वीवो V40 और वीवो V40 प्रो फ्लिपकार्ट पर लॉन्च हो चुके हैं। इन दोनों फोनों की प्राइस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लास्ट टाइम लॉन्च हुए वीवो V30 और वीवो V40 के कंपैरिजन के बारे में, और ये पता करेंगे कि इस बार लॉन्च हुए वीवो V40 के अंदर लास्ट टाइम लॉन्च हुए वीवो V30 के मुकाबले कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए हैं या नहीं, या बेवजह ही ऐसे ही प्राइस बढ़ा दी है। तो शुरुआत करें सबसे पहले इन दोनों फोनों की डिस्प्ले से। तो वीवो V30 के अंदर दी गई थी 6.78 इंच की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और यहां पर भी हमें बिल्कुल सेम डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। हाँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा 1920 का, यानी कि पिछली बार वीवो V30 में 1200 से लेकर 2800 नीट्स तक की मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिली थी, लेकिन इस बार हमें मिली है 4500 नीट्स तक की मैक्सिमम ब्राइटनेस। और इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर HDR10+ का सपोर्ट, ये सब सेम टू सेम है। तो डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद बात करें कैमरा की, तो लास्ट टाइम वीवो V30 के अंदर दिया गया था 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ, दूसरा 50 मेगापिक्सल का एक और सेकेंडरी कैमरा, और फ्रंट में भी दिया गया था 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यही बिल्कुल सेम कैमरा में इस बार वीवो V40 के अंदर भी दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS के साथ, 50 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, और फ्रंट में भी दिया गया है 50 मेगापिक्सल का कैमरा। 4K के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग आगे और पीछे दोनों वाले कैमरा से आप कर सकते हैं। लास्ट टाइम लॉन्च हुए वीवो V30 और वीवो V40 के कैमरास के अंदर आपको सिर्फ सेंसर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर भी हमें 1920 का ही फर्क देखने को मिला है। इसके अलावा हम बात करें बैटरी और चार्जर की, तो लास्ट टाइम वीवो V30 में 5000mAh की बैटरी के साथ 80W का चार्जर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा हाँ डिफरेंस देखने को मिला है, यानी कि 5500mAh की बैटरी के साथ 80W का चार्जर वीवो V40 में दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि 1920 का ही फर्क है, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और अब बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज की, वो है परफॉर्मेंस, यानी कि प्रोसेसर। वीवो V30 में जो प्रोसेसर दिया गया था, वही प्रोसेसर वीवो V40 में भी दिया गया है, यानी कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का 5G प्रोसेसर पहले भी मिला है, और इस बार भी वीवो V40 में यही सेम प्रोसेसर दिया गया है। ये प्रोसेसर 4 नैनोमीटर पर काम करता है, जिसका अंतुतु स्कोर लगभग 8,20,000 के आसपास आता है। OneTouch OS 14 के साथ Android 14 ऑब्वियसली वो मिल जाता है, LPDDR4X रैम के साथ UFS 2.2 का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कोई 1920 का ही फर्क है, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। वीवो V30 में दी गई थी IP54 की रेटिंग, और इस बार वीवो V40 में मिली है IP68 की रेटिंग। ये डिफरेंसेस हमें यहाँ पर इन दोनों फोनों के बीच में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम साफ साफ कह सकते हैं फीचर्स को देख कर कि कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस किसी भी फीचर के अंदर नहीं है। वीवो V30 5G फोन की प्राइस शुरू हो जाती है 8GB 128GB 34,000, 8GB 256GB 36,000, 12GB 256GB 38,000, और वहीं वीवो V40 5G फोन की प्राइस शुरू होती है 8GB 128GB 35,000 रुपये के अंदर ही। तो यहाँ पर बस आपको प्राइस के अंदर बड़ा डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिलेगा, इसके अलावा कोई बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। फिलहाल अगर आपका कोई इस वीवो V40 5G फोन को लेकर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा।